Don't take risk after your first two. Because if you fail in second, more lifts are waiting to say that your first victory was just luck. Hello students, in this video we are going to discuss chapter 7 cube and cube roots MCQ questions. Okay, so question number 1 is, if the digit in 1's place, agar koi bhi digit de gai hai, jiski 1's place kya hai? Of a number 2, 1's place pe kaun sa number hai? 2 hai. Then the last digit of its cube will be, to uski last digit उसकी क्यूब की लास्ट डिजिट क्या होगी? क्या होगी? 2 का क्यूब करेंगे तो उसकी लास्ट डिजिट क्या आ रही है? 8. तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है. ठीक, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू इट्स ओन क्यूब. इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो कि इक्वल है अपने खुद के क्यूब से. तो अगर जैसे देखते हैं -1 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? -1 × -1 × -1. तो ये किसके इक्वल हो गया? -1 के. अब हम लोग -2 का क्यूब करके देखते हैं तो ये किसके इक्वल हो गया? -2 × -2 × -2. ये किसके इक्वल हो गया? तो ये किसके इक्वल हो गया? -8 के. अब -3 का क्यूब करेंगे तो किसके इक्वल हो गया? -3 × -3 × -3. किसके इक्वल हो गया? -27 के. इसी तरह 9 का करेंगे तो हम क्या देख रहे हैं? -1 का जब हम क्यूब करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है? -1 मिल रहा है. अब हम लोग इसमें -1 का क्यूब -1 ही हो रहा है तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट है. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. 3 क्या दिया है? द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स इज 64 सेंटीमीटर क्यूब. हमें एक क्यूबिकल बॉक्स दिया है जिसकी वॉल्यूम क्या है? 64 सेंटीमीटर क्यूब. अब हमें क्या निकालना है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इट्स साइड. इसकी साइड क्या होगी? इन ऑप्शन में से इसकी साइड क्या होगी? तो हम क्या करेंगे? 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा? 2 3 6, फिर 2 2 फिर 2, यहाँ आएगा 1 6, यहाँ आएगा 8, फिर 2 4, फिर क्या आएगा? 2 2 4, फिर 2 1. क्या आ गया? 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2. 2 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. ठीक है, कितना आ रहा है? अब हम लोग ट्रिपलेट का पेयर बनाएंगे तो ये क्या हो गया? एक ट्रिपलेट हो गया, ये दूसरा ट्रिपलेट हो गया. तो इसे कैसे लिखेंगे? 2, इसमें से एक सिंगल नंबर लेंगे तो क्या लेंगे? 2. अब इसको इंटू 2, क्या आ गया? 4. तो इसकी साइड कितनी हो गई क्यूबिकल बॉक्स की? 4 सेंटीमीटर. ठीक है, 4 सेंटीमीटर. तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा 2 करेक्ट है. ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्यूब रूट ऑफ 152. 152 का इन पॉइंट्स में से कौन सा क्यूब रूट है? तो सब अब हम लोग 512 का क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. ठीक है, तो क्या आएगा? 2, यहाँ आएगा 256, फिर से 2 बार ले जाएंगे, आएगा 128, फिर से 2 टाइम्स करेंगे आएगा 64, फिर से 2 टाइम्स करेंगे आएगा 32, 2 आएगा 16, फिर 2 से करेंगे क्या आएगा? 8. यहाँ क्या आएगा? 8. 2 4 2 2, यहाँ आ गया 1. तो ये किसका क्यूब रूट? ये किसका क्यूब रूट है? 512 का क्यूब रूट क्या है? अब लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2. कितने बार 2 है? 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. अब हम इसका क्या करेंगे? ट्रिपलेट बनाएंगे. तो ये एक ट्रिपलेट बन गया, ये दूसरा ट्रिपलेट बन गया और ये तीसरा ट्रिपलेट बन गया. तो क्या हो जाएगा, इसमें से एक सिंगल नंबर लेंगे तो क्या आ गया, 2 × 2 × 2. ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8. तो 512 का क्यूब रूट क्या हो गया, 8 हो गया. तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. प्राइम, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 64 इज, हमें बताना है 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा. तो सबसे पहले हम लोग 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. ठीक है, तो जब हम 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आ गया, 2, यहाँ आ गया 3, 2, यहाँ आ गया 2, 1, यहाँ आ गया 6, 2, 8 आ गया, यहाँ 2, 4, 2, 2, फिर 2, 1, यहाँ क्या आ गया, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2. तो कितने बार है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 टाइम्स है 2. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब हम इसका ट्रिपलेट बनाएंगे, तो ये एक ट्रिपलेट और ये दूसरा ट्रिपलेट. इसे कैसे लिखेंगे, 2 क्या आ गया, 2 × 2. ठीक है, अब हम देखेंगे क्या लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ 64 हमारे पास क्या आ गया, 4. अब ये किसके इक्वल हो गया, 64, 4 × 4 × 4. ठीक है, इसमें से ऑप्शन किसकी इक्वल है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे. क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया है, व्हाट इज द सिंबल ऑफ क्यूब रूट, क्यूब रूट का सिंबल क्या होता है. तो इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, क्यूब रूट का सिंबल होता है ये होता है. ठीक है, अब इसमें से ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट है. अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया है, हाउ मेनी फेसेस अ क्यूब हैव, एक क्यूब के पास कितने फेसेस होते हैं. तो ऑप्शन 1 में क्या दिया है, 2, ऑप्शन 2 में 3, ऑप्शन 3 में 4 और ऑप्शन 4 में 6. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट. क्यूब की सारे फेसेस, क्यूब के फेसेस 6 फेस होते हैं क्यूब के. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, हमें बताना है कि ये जो ऑप्शन में नंबर दिए हैं इसमें से कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है. तो ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया है, 8. अब 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं तो क्या है, 2 × 4 = 2, 2 × 2 = 1. ठीक है, क्या गया, 2 × 2 × 2. तो ये ट्रिपलेट के फॉर्म में है तो ये परफेक्ट क्यूब बनाएगा. अब ऑप्शन 2 पे क्या आएंगे, ऑप्शन 2 पर आएंगे तो यहाँ क्या दिया, 27. 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग तो 3, 3 × 9 = 27, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3. तो ये भी ट्रिपलेट फॉर्म कर रहा है तो क्या हो गया, ये भी परफेक्ट क्यूब हो गया. अब 28 का करके देखते हैं, जब 28 का करते हैं तो 2 × 1 = 2, 4 फिर 2 × 7 = 7, फिर 7 × 1 = 7. तो 2 × 2 × 7 ये ट्रिपलेट फॉर्म नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा सही है. तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट. अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दिया है, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज, ऑप्शन 1 क्या है, इवन, ऑप्शन 2 ऑड, ऑप्शन 3 इंटीजर और ऑप्शन 4 है नन ऑफ दीज. तो कभी भी हम किसी भी ऑड नंबर का अगर क्यूब करते हैं तो हमेशा हमें ऑड नंबर ही मिलता है. एग्जांपल, अगर हम 1 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1 आएगा. 3 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास 27 आएगा. ठीक है, जब भी हम किसी भी ऑड नंबर का क्यूब करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमेशा ऑड नंबर ही मिलता है. तो ऑप्शन 2 इज राइट. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर. यहाँ पर क्या दिया है, क्यूब ऑफ एनी इवन नंबर इज,
अगर हम किसी भी इवन नंबर का क्यूब करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ऑप्शन वन क्या है इवन, ऑप्शन टू ऑड, ऑप्शन थ्री इंटीजर, ऑप्शन फोर नन ऑफ दीज। तो जब भी हम किसी भी इवन नंबर का क्यूब करेंगे, एग्जांपल ले लेते हैं, टू का क्यूब करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, टू इंटू टू इंटू टू, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट। तो हमेशा हमें इवन नंबर ही मिलता है, तो ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।